induction training program. माननीय राष्ट्रपति महोदय, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति सचिव श्री राजेश वर्मा, विदेश सचिव श्री विनय क्वात्रा, डीन सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान संजीव रंजन, अधिकारीगण तथा मेरे प्रिय साथियों, आज यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मुझे इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के सर्वश्रेष्ठ अनुभवों को आपके समक्ष साझा करने का अवसर मिला है। पिछले 6 महीनों में प्रशिक्षण के दौरान इंटरैक्टिव सत्रों से हमारे मन मस्तिष्क में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। हमने अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के मूलभूत तथ्यों और बारीकियों, भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ संबंध, 3 P's, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म अर्थात व्यापार, प्रौद्योगिकी एवं पर्यटन पर गहरी समझ तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य के साथ भारत की विदेश नीति का विकास विस्तार से जाना, बहुपक्षीय मंच, विकास भागीदारी एवं अंतर्राष्ट्रीय नेगोशिएशन पर सिमुलेशन अभ्यास ने पुस्तक ज्ञान को वास्तविक धरातल पर साकार करने की चुनौती दी। सभी प्रशिक्षु अधिकारी हर चुनौती पर खड़े उतरे हैं। पड़ोसी देश, परमाणु ऊर्जा, इसरो समेत विभिन्न अटैचमेंट हमारे प्रशिक्षण के सबसे उत्साहजनक भाग थे। हमें जमीनी स्तर पर गहरी समझ विकसित करने के साथ नेटवर्क बनाने का अवसर भी प्रदान किया गया। विशेषकर बेंगलुरु अटैचमेंट से हमें हमारे देश के तकनीकी क्षेत्र में हुई प्रगति को नजदीक से देखने का अवसर मिला। जब हमने अकादमी में पहली बार कदम रखा तभी से ये हमारे लिए घर परिवार की तरह है। बेहतरीन प्रशिक्षण वातावरण, सार्वांगिक विकास हेतु फैकल्टी का पूर्ण प्रयास एवं हमारे फीडबैक पर त्वरित प्रतिक्रियाओं ने हमारे प्रशिक्षण को सहज बना दिया। इसमें अकादमी के प्रशासन एवं फैकल्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमें कई क्षेत्रों के विशेषज्ञों एवं दिग्गजों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी से वार्तालाप विशेष रूप से प्रेरक था। उन्होंने हमें न केवल निकट भविष्य में कार्य के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए बल्कि विशिष्ट मुद्दों पर नवाचारी समाधानों को खोजने की चुनौती भी दी। जैसा चाणक्य कहते हैं, इस संसार रूपी वृक्ष के 2 फल हैं, मधुर वचन तथा सत्संगति, और मुझे मेरे सहपाठियों के रूप में सर्वश्रेष्ठ संगति मिली है। अत्यंत प्रेरित विविध